अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा के आने वाले एक साथ की मुकम्मल कहानी के बारे में। और इस ड्रामे में फारूक जमान का अमां की फैमिली के साथ क्या ताल्लुक है और नूरुल ऐन को डरावने ख्वाब क्यों आते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आप लोग इस ड्रामे के माजी में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि फारूक जमान की एक खूबसूरत सी बीवी है और एक बेटी जो कि जाहिर सी बात नूरुल ऐन ही है। पहाड़ों पर उनका घर दिखाया गया है जहाँ पर वो एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जरनिश खान जो कि अमां की मां का किरदार अदा कर रही है, वो भी अपनी फैमिली के साथ करीब ही कहीं रहती है। नूरुल ऐन की मां और अमां की मां आपस में गहरी दोस्त है और अक्सर एक दूसरे के घर आती जाती है। दोस्तों, फारूक जमान जो शुरू से ही दरिंदा सख्त इंसान दिखाया गया है और इसी वजह से उसने चुप करके शादी भी कर रखी है किसी जवान लड़की से, वो अंदर से पूरा हैवान है और इस बात का अंदाजा उसकी बीवी को इस तरह होता है कि अमान की मां पर फारूक जमान की गंदी नजर पड़ जाती है। उसकी खूबसूरत आवाज, उसका पियानो बजाना फारूक को बेचैन कर देता है। वो जानता है कि वो उसकी बीवी की दोस्त है, शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो मौका मिलते ही उसके साथ कुछ गलत कर देता है और बाद में उन दोनों मियाँ बीवी को ठिकाने भी लगा देता है। और इस बात का उसकी बीवी को पता चल जाता है। वो अपने शौहर पर चिल्लाती है कि तुम इंसान नहीं भेड़िए हो, मुझे तुमसे बदबू आती है, मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी को एक मिनट भी नहीं रहने दे सकती। वो नूरुल ऐन को लेकर रात के अंधेरे में फारूक जमान का घर छोड़कर भाग जाती है। फारूक जमान अपने नौकरों के साथ उसका पीछा करता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को लेकर भागने की कोशिश करे। फारूक के साथी नूरुल ऐन और उसकी माँ को स्टेशन के करीब ही घेर लेते हैं और तब मुंह पर कपड़ा डाले फारूक आगे होता है और अपनी बीवी को गोली मार देता है। ये सारी हकीकत नूरुल ऐन के सामने आखिर आ ही जाती है। उसे अपने बाप से नफरत महसूस होती है। वो न सिर्फ अपने अगाजे को धतकार देती है बल्कि उनसे अपना हर ताल्लुक तोड़कर अमां के साथ चली जाती है। फारूक उनके पीछे भागता है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी बेटी में मर जाऊंगा। फारूक अपनी बेटी की नजरों में खुद को गिरा हुआ पाकर बिल्कुल ही टूट जाता है और एंड यही होगा कि फारूक जमान खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। अमां नूरुल ऐन को इस तमाम डरावने ख्वाब से बाहर निकाल कर फिर से जिंदगी की तरफ ले आता है, क्योंकि अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था। तो क्या लगता है आपको, फारूक जमान का अंजाम यही होना चाहिए कि अपनी बेटी की नजरों से गिरने के बाद वो खुद को खत्म कर ले और इस सब के बाद ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।